नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू साहू और कंपटीशन कम्युनिटी के इस फास्ट ट्रैक रिवीजन कोर्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम छत्तीसगढ़ जीएस का जो प्राचीन इतिहास है छत्तीसगढ़ का, उससे रिलेटेड प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि सीजीपीएससी प्रीलिम्स में किस प्रकार के क्वेश्चन आने की संभावना है। तो आते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त ने दक्षिण कौशल के किस शासक को पराजित किया था? अकॉर्डिंग टू प्रयाग प्रशस्ति, समुद्रगुप्त डिफिटेड विच रूलर ऑफ दक्षिण कौशल? इसमें देखिए ऑप्शन दिया गया है, ए महेंद्र, बी व्यागराज, सी ए और बी दोनों, और डी इनमें से कोई नहीं। तो आइए देखते हैं कि इसका आंसर क्या हो सकता है, सॉल्व करते हैं। देखिए ये जो प्रयाग प्रशस्ति शब्द लिखा है क्वेश्चन में, ये एक्चुअली समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन के द्वारा लिखा गया प्रयाग प्रशस्ति था। इसका मतलब क्या होता है, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन ने प्रयाग नामक स्थान पर, प्रयाग मतलब कि आज का इलाहाबाद का एरिया, वहाँ के किले के एक स्तंभ पर अपने राजा समुद्रगुप्त के बारे में उसके युद्धों का वर्णन किया था, उसकी प्रशंसा की थी, उसकी स्तुति में लेख लिखा था, जिसे क्या कहा गया, प्रशस्ति कहा गया। ठीक है, तो ये है समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति, जिसमें क्या बताया गया था कि मगध के गुप्त वंश का प्रभाव छत्तीसगढ़ में तब पड़ा जब समुद्रगुप्त जो है वो आर्यावर्त के राजाओं को जीत कर दक्षिण अभियान में निकल पड़ा था। दक्षिण अभियान के दौरान उसने कौशल के राजा महेंद्र और महाकांतर के राजा व्यागराज को युद्ध में पराजित किया और उसे उसका साम्राज्य लौटा दिया। मतलब कि ये जो लोग थे ये इसके अधीन तो थे लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से अधीन थे, ये लोग इनको कर दिया करते थे और विशेष परिस्थितियों में सैनिक सहायता दिया करते थे। अब देखिए यहाँ पर दो नाम था, कौशल के राजा महेंद्र और महाकांतर के राजा व्यागराज। तो देखिए ये समय कौन सा है, 360 ईस्वी के आसपास का समय है। उस समय उत्तर भारत में जब गुप्त वंश का शासन था तो छत्तीसगढ़ में जो बस्तर का एरिया है जिसे महाकांतर कहा जाता है, वहाँ पर व्यागराज जो है नल डायनेस्टी का जो शासक है वो राज कर रहा था। और जो दक्षिण कौशल, मतलब उस समय गुप्त काल में क्या कहते थे इसे, कौशल कहा जाता था, जो मध्य छत्तीसगढ़ का एरिया है, वहाँ पर जो महेंद्र है वो संभवतः वाकटकों का सामंत हो सकता है, या कह सकते हैं कि उनके मांडलिक के रूप में वहाँ पर वो राज करता था, या फिर ये कह सकते हैं कि सरभपुरी वंश का जो सरभ राज है उसका पुत्र महेंद्र हो सकता है। इसके बारे में ऐसा है कि कुछ विद्वानों का कहना है कि ये वाकटकों का सामंत था, तो कुछ विद्वानों का कहना है कि ये शरभपुरी डायनेस्टी का शासक था महेंद्र। ये दोनों में से कोई भी हो सकता है, इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, लेकिन ये जरूर है कि उस समय जब समुद्रगुप्त दक्षिण अभियान में आया था तो ये जो मध्य छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है जिसे कौशल कहा जाता था, वहाँ पर महेंद्र का शासन था और नीचे बस्तर के क्षेत्र में नल वंश के शासक व्यागराज का शासन था। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी ए और बी दोनों। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रिद्धिपुर व केसरी बेड़ा अभिलेख छत्तीसगढ़ के किस राजवंश के सशक्त ऐतिहासिक प्रमाण है? रिद्धिपुर एंड केसरी बेड़ा इंस्क्रिप्शंस आर स्ट्रॉन्ग हिस्टोरिकल एविडेंस ऑफ विच डायनेस्टी ऑफ छत्तीसगढ़? तो इसमें ऑप्शन दिया गया है, ए नल डायनेस्टी, बी शरभपुरी डायनेस्टी, सी राजऋषि तुल्य कुल वंश, एंड डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो नल वंश होगा। आइए देखते हैं इसका आंसर नल वंश कैसे होगा। ये बात है 5वीं शताब्दी की, जब बस्तर क्षेत्र में नल वंश का शासन था और ये जो महाराष्ट्र का एरिया है, बरार का जो एरिया है, यहाँ पर वाकटक वंश जो है वो राज्य कर रहे थे। नल वंश का शासक हुआ भवदत्त वर्मन, ये बहुत ही प्रतापी शासक था नल वंश का और इसका शासन काल था 440 से लेकर 460 ईस्वी, और उसी समय यहाँ पर नरेंद्र सेन जो है वो राज्य कर रहा था। भवदत्त वर्मन के बाद राजा कौन हुआ, अर्थपति भट्टारक हुआ जिसका शासन काल था 460 से लेकर 475 ईस्वी, और नरेंद्र सेन के बाद शासक कौन हुआ, पृथ्वी सेन हुआ। अब देखते हैं क्या हुआ था कि ये जो भवदत्त वर्मन है ये नल वंश का बहुत ही प्रतापी शासक था। ये अपने राज्य के विस्तार के लिए अपने जो पड़ोसी राजवंश हैं उन पर इसने क्या किया, आक्रमण किया। तो भवदत्त वर्मन ने जब नरेंद्र सेन पर आक्रमण किया तो उसने क्या किया, इनकी जो राजधानी थी नंदीवर्धन जो कि नागपुर के आसपास का एरिया है, उसे उसने पूरा तहस नहस कर दिया और वहाँ से इनको युद्ध में पराजित करके वहाँ से ताम्रपत्र जारी किया। जो ताम्रपत्र था कौन सा, रिद्धिपुर का।
ये जो एरिया है अमरावती के आसपास का एरिया है, और इसमें इसके युद्धों की जानकारी मिलती है, इसके युद्धों का विवरण मिलता है। उसके बाद क्या हुआ, भौदत्त वर्मन ने इन्हें युद्ध में पराजित कर अपने साम्राज्य का विस्तार कहाँ तक कर लिया, नागपुर और बरार तक के एरिया में कर लिया। फिर क्या हुआ कि जैसे नरेंद्र सेन के बाद शासक कौन हुआ, पृथ्वी सेन हुआ, उसका जो बेटा है। तो पृथ्वी सेन जो है बदला लेने के लिए या फिर अपने खोए हुए क्षेत्र को वापस लेने के लिए उसने क्या किया, भौदत्त वर्मन के बड़े बेटे अर्थपति भट्टारक पर उसने आक्रमण किया। और जैसे भौदत्त वर्मन ने नरेंद्र सेन के साथ किया था, वैसे ही पृथ्वी सेन ने क्या किया, अर्थपति भट्टारक के साथ किया। उसने अर्थपति भट्टारक पर आक्रमण किया, उसकी राजधानी पुष्करी को तहस नहस कर दिया और अपने खोए हुए क्षेत्र को उसने क्या किया, वापस ले लिया। लेकिन इस युद्ध में ये हुआ कि अर्थपति भट्टारक की मृत्यु हो गई थी, और इसी समय उसने क्या किया था, ताम्रपत्र जारी किया था केसरी बेड़ा से। केसरी बेड़ा उड़ीसा के आसपास का एरिया है, तो वहाँ से उसने अपने ताम्रपत्र को जारी किया था और अपने युद्धों का वर्णन किया था। तो इस प्रकार से ये जो दोनों ताम्रपत्र हैं, ये किस वंश से रिलेटेड है, नल डायनेस्टी से रिलेटेड है, वो भी किन शासकों से, भौदत्त वर्मन और अर्थपति भट्टारक से। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए नलवंश। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरभपुरी राजवंश के किस शासक ने स्वर्ण सिक्के जारी किए थे, विच रूलर ऑफ शरभपुरी डायनेस्टी इशूड गोल्ड क्वाइंस। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, ए शरभराज, बी नरेंद्र, सी सुदेवराज और डी प्रसन्नमात्र। तो शरभपुरी वंश का जो शासन है वो मध्य छत्तीसगढ़ के एरिया में था, मल्हार, बिलासपुर, रायगढ़, संबलपुर, रायपुर का ये जो एरिया है यहाँ पर ये शासन कर रहे थे। और इसका जो संस्थापक था वो कौन था, शरभराज था। शरभराज के बाद कौन शासक हुआ, नरेंद्र शासक हुआ, और नरेंद्र के बाद प्रसन्नमात्र, और प्रसन्नमात्र के बाद सुदेवराज शासक हुआ। ठीक है, तो इस राजवंश का जो सबसे प्रतापी शासक था वो था प्रसन्नमात्र। उसने भारी मात्रा में सोने और चांदी के सिक्के जो हैं वो जारी किए थे। अगर हम कटक से लेकर चांदा तक की बात करें, कटक मतलब उड़ीसा का क्षेत्र और चांदा मतलब महाराष्ट्र का क्षेत्र, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसके टोटल 116 सिक्के प्राप्त हुए हैं। और ये सिक्के कैसे हुआ करते थे, एक तरफ यहाँ पर शंख उत्कीर्ण था, दूसरी तरफ चक्र, बीच में गरुड़, और यहाँ पर ऊपर में राजा का नाम हुआ करता था प्रसन्न मात्र। ठीक है, इन सिक्कों में इन्होंने शीर्ष पेटिका लिपि का प्रयोग किया, या फिर कह सकते हैं पेटिका शीर्ष लिपि का प्रयोग किया। देखिए लिपि का मतलब क्या होता है, लिखने का तरीका, ये कैसे अपने जो शब्द हैं उसे व्यक्त करते हैं। तो इन्होंने इस समय पेटिका शीर्ष लिपि का प्रयोग किया था, ये कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ था। ये जो पेटिका शीर्ष लिपि है ये 5वीं शताब्दी के बाद प्रचलन में आ चुका था। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा डी प्रसन्नमात्र। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, राजा भीमसेन द्वितीय के आरंग ताम्रपत्र में निम्नलिखित राजाओं का उल्लेख किया गया है। देखिए इसमें राजाओं के नाम लिखे गए हैं, पहला सूरा, दूसरा दयित वर्मा, तीसरा विभीषण और चौथा रुद्रसेन। और इसमें ऑप्शन है केवल वन, बी है केवल वन एंड टू, सी है केवल 1, 3, 4 एंड डी है केवल 1, 2, 3। तो देखिए ये जो भीमसेन द्वितीय है ये राजऋषि तुल्य कुल वंश का अंतिम शासक था। राजऋषि तुल्य कुल वंश, ये जो वंश है ये क्षेत्रीय राजवंशों की बात करें तो छत्तीसगढ़ में ये पहला राजवंश था जिसने छत्तीसगढ़ में शासन किया। इसका जो शासन काल था वो कब से लेकर कब तक था, 5वीं से लेकर 6वीं शताब्दी तक था, और ये आरंग के क्षेत्र में राज्य करते थे। तो इस वंश का जो अंतिम शासक है भीमसेन द्वितीय, उसके आरंग ताम्रपत्र से क्या पता चलता है कि ये जो भीमसेन द्वितीय है ये इस वंश का शासक था, और इसके पहले के जितने भी शासक हैं इस ताम्रपत्र में उसकी जानकारी दी गई है। तो ये कौन कौन से शासक थे, सूरा, दयित, विभीषण, भीमसेन प्रथम, दयित वर्मा द्वितीय और भीमसेन द्वितीय। तो इन सारे जो भीमसेन द्वितीय के पहले शासक हुए उनके बारे में आरंग ताम्रपत्र से जानकारी मिलती है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन क्या क्या है, देखिए डी ऑप्शन है केवल 1, 2, 3। तो शूरा के बारे में भी जानकारी मिल रही है, दयित वर्मा के बारे में भी जानकारी मिल रही है, और विभीषण के बारे में भी जानकारी मिल रही है। रुद्रसेन जो है वो वाकटक वंश का शासक है, वो राजर्षि तुल्य कुल वंश का शासक ही नहीं है। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी केवल 1, 2, 3। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। यहाँ पर देखिए लिस्ट 1 में जो है वो छत्तीसगढ़ के राजवंशों के नाम दिए गए हैं, और जो लिस्ट 2 है
है उसमें शासकों के नाम दिए गए हैं। तो लिस्ट वन में क्या क्या है देखिए, राजर्षि, तुल्य, कुलवंश, नलवंश, शरभपुरी वंश और पांडुवंश। वहाँ पर इनके सामने जो शासकों के नाम लिखे गए हैं वो कौन कौन से हैं, भवदत्त वर्मन, तिवरदेव, भीमसेन प्रथम और प्रसन्न मात्र। तो राजर्षि, तुल्य, कुलवंश की बात करें तो जैसे कि मैंने आपको अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था कि इसका शासक कौन था, भीमसेन द्वितीय इसका अंतिम शासक था, जिसके ताम्रपत्र से इसके बाकी शासकों के बारे में जानकारी मिलती है, जिनमें से एक नाम था भीमसेन प्रथम। अगर हम नलवंश की बात करें तो जो भवदत्त वर्मन है ये नलवंश का सबसे प्रतापी शासक था। इसका जो रिद्धिपुर ताम्रपत्र मिला था उसके बारे में हमने चर्चा कर ली है, तो इसका जो राजा होगा वो कौन होगा, भवदत्त वर्मन होगा। शरभपुरी वंश की बात करें तो पिछले क्वेश्चन में ही मैंने डील किया था कि शरभपुरी वंश का जो तीसरा शासक था नरेंद्र का बेटा प्रसन्न मात्र, वो इस वंश का प्रतापी शासक था। उसने बहुत सारे सोने के और चांदी के सिक्के जारी किए थे। तो शरभपुरी वंश का शासक कौन होगा, प्रसन्न मात्र, और पांडु वंश का शासक होगा तिवरदेव। ये वही शासक है जिसने सकल कोसलाधिपति की उपाधि ली थी, मतलब कि पूरे कोसल क्षेत्र का ये क्या था, राजा था। ठीक, तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ए का मैच होगा 3, बी का मैच होगा 1, सी का मैच होगा 4 और डी का मैच होगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाली के शिव मंदिर का निर्माणकर्ता विक्रमादित्य किस वंश का शासक था। विक्रमादित्य कंस्ट्रक्टर ऑफ शिवा टेम्पल ऑफ पाली बिलोंग टू विच डायनेस्टी। इसमें ऑप्शन दिया गया है ए सोमवंश, बी शरभपुरी वंश, सी बाण वंश और डी पांडु वंश। तो ये जो विक्रमादित्य है ये बाण वंश का शासक था। बाण वंश जो है 9वीं शताब्दी के आसपास का समय है जब वो कोरबा के पाली क्षेत्र में क्या कर रहे थे, शासन कर रहे थे। विक्रमादित्य का जो शासन काल है वो कब से कब तक है, 870 ईस्वी से लेकर 895 ईस्वी तक है। इसने अपने शासन काल में पाली क्षेत्र में शिव मंदिर का निर्माण कराया था। ये वही मंदिर है जिस मंदिर का जो जीर्णोद्धार है वो कलचूरी वंश का जो शासक है जाजल्यदेव प्रथम उसने कराया था। और आज भी अगर आप वहाँ जाएंगे तो उस मंदिर के दीवारों पर क्या लिखा गया है, श्री मद जाजल देवस्य कीर्ति लिखा गया है। इस प्रकार से यहाँ से ये पता चलता है कि इसका जीर्णोद्धार किसने करवाया था, जाजल देव प्रथम ने करवाया था। और इस मंदिर का निर्माण किसने कराया था, विक्रमादित्य ने करवाया था, जो कि बाण वंश का शासक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बाण वंश। हमारा अगला क्वेश्चन है, नलवंशी शासकों का राज्य क्षेत्र स्थित था। द रूलिंग एरिया ऑफ नल डायनेस्टी वॉज लोकेटेड इन ए बस्तर एरिया, बी रायगढ़ एरिया, सी रतनपुर एरिया और डी रायपुर एरिया। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये जो नल वंश है बस्तर क्षेत्र में शासन करते थे, 4वीं से लेकर लगभग 11वीं शताब्दी तक इनका शासन जो था इस क्षेत्र में था। और इनके राज्य का विस्तार कहाँ कहाँ तक हुआ था, तो अगर हम उत्तर में बात करें तो जैसा कि आपको पता है कि 8वीं शताब्दी में जब यहाँ पर विलासतुंग शासन कर रहा था तो वो गरियाबंद के क्षेत्र में राजीवलोचन का मंदिर उसने बनवाया था। तो इस प्रकार से दक्षिण कौशल का जो दक्षिणी हिस्सा है वहाँ पर ये शासन कर रहे थे। अगर हम पूर्वी हिस्से की बात करें तो उड़ीसा के कोरापुट तक इनका जो है शासन था, पूरा बस्तर का एरिया। और पश्चिम में क्या था, जैसे कि वाकाटकों से वो युद्ध करने के बाद जो विदर्भ का एरिया है उसे क्या किए थे, अपने साम्राज्य में मिला लिए थे, अपने राज्य का विस्तार किए थे युद्ध से। तो महाराष्ट्र का जो विदर्भ का एरिया वहाँ तक इनका जो था राज्य का विस्तार था। तो मैंने क्या बताया, उत्तर में दक्षिण कौशल का दक्षिणी भाग, पूर्व में उड़ीसा तक, जो बीच का हिस्सा है वहाँ पर बस्तर था, और ये जो पश्चिम का हिस्सा है वो विदर्भ तक इन लोगों का राज्य जो था वो फैला हुआ था। तो इस प्रकार से आप क्या कह सकते हैं, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बस्तर क्षेत्र में ये लोग जो हैं वो राज्य करते थे, छत्तीसगढ़ में स्पेशली बस्तर क्षेत्र में राज्य करते थे। और उस समय इस क्षेत्र को क्या कहा जाता था, महाकांतर कहा जाता था, जिसकी जानकारी हमें किससे मिलती है, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है, जिसमें क्या लिखा गया है कि समुद्रगुप्त ने कोसल के राजा महेंद्र और महाकांतर के राजा व्यागराज को युद्ध में पराजित किया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन बस्तर के छिंदक नागवंशी शासक थे। तो देखिए यहाँ पर 4 छिंदक नागवंशी शासकों के नाम दिए गए हैं, इसमें से हमको बताना है कि कौन कौन से छिंदक नागवंशी शासक थे। तो ये शासक कौन कौन से हैं, सोमेश्वर देव, कन्हर देव, जयसिंह देव और परमेश्वर देव। और इसमें ऑप्शन दिया गया है ए 1, 2 व 3, बी 2, 3 एंड 4, सी 1, 2 एंड 4 एंड डी है 1, 2, 3 एंड 4। तो देखिए ये जो छिंदक नागवंशी शासक हैं बस्तर क्षेत्र में, इनका शासन कब से कब तक था, 1023 से लेकर
1324 ईस्वी तक इन्होंने बस्तर क्षेत्र में शासन किया। और उस समय मध्य छत्तीसगढ़ में कौन शासन कर रहे थे? कलचूरी वंश शासन कर रहे थे। मतलब ये कि कलचूरी वंश और छिंदक नागवंशी जो शासक थे, ये दोनों एक दूसरे के क्या थे? समकालीन थे। इनके प्रमुख शासकों की बात करें तो इस वंश का संस्थापक कौन था? नृपति भूषण। इसके बाद शासक हुआ धारावश जगदेव भूषण, फिर शासक हुआ मधुरांतक देव जो कि धारावश का संबंधी था। धारावश और मधुरांतक देव के बारे में कुछ जानकारी नहीं मिलती कि इनके बीच में क्या रिलेशन था। फिर शासक हुआ सोमेश्वर देव प्रथम। सोमेश्वर देव के बाद राजा हुआ कन्हर देव। कन्हर देव के बाद राजा हुआ सोमेश्वर देव द्वितीय। इसके बाद शासक हुआ जगदेव भूषण नरसिंह देव, फिर राजा हुआ जयसिंह देव, एंड इस वंश का अंतिम शासक था हरिश्चंद्र। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में किन किन राजाओं का नाम लिखा गया है? सोमेश्वर देव, कन्हर देव और जयसिंह देव। तो और यहाँ पर कहीं पर भी परमेश्वर देव नहीं लिखा गया है, तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि इसका जो आंसर क्या होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 1, 2 एंड 3। ठीक, तो ये जो सोमेश्वर देव, कन्हर देव और जयसिंह देव है, ये जो है छिंदक नागवंशी शासक थे। इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 1, 2 एंड 3। अब हम अपने अगले प्रश्न पे आते हैं। छिंदक नागवंश का संस्थापक कौन था? हु वाज द फाउंडर ऑफ छिंदक नाग डायनेस्टी? तो इसमें देखिए ऑप्शन दिया गया है ए धारावर्ष, बी हरिश्चंद्र, सी नृपति भूषण और डी सोमेश्वर देव। तो देखिए धारावर्ष जो है वो दूसरा शासक था, हरिश्चंद्र जो है वो सबसे अंतिम शासक था। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि इस वंश का अंतिम शासक कौन था। क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि शासकों के नाम दे दिए जाएंगे और आपको उसे सिक्वेंस में रखना है इनके शासनकाल के हिसाब से। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा गया, जैसे कि पिछला क्वेश्चन था कि बहुत सारे शासकों के नाम दे दिए गए और ये पूछा गया कि इनमें से कौन से छिंदक नागवंश के शासक थे। और क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि इस वंश का पहला शासक, मतलब कि इस वंश का संस्थापक कौन था। ठीक, तो नृपति भूषण जो है इस वंश का संस्थापक है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, नृपति भूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोरमदेव मंदिर का निर्माण किस राजवंश के काल में हुआ? तो इसमें ऑप्शन दिया गया है ए छिंदक नागवंश, बी फड़ी नागवंश, सी नलवंश और डी कलचूरी वंश। तो देखिए ये जो भोरमदेव का मंदिर है ये कबीरधाम से 18 किलोमीटर दूर छपरी के निकट चौरा ग्राम में स्थित है। ये जो मंदिर है वो गोंड आदिवासियों के देवता भोरमदेव को समर्पित है, जो कि मूलतः एक शिव मंदिर है। इस मंदिर के मंडप में एक दाढ़ी मूछ वाले व्यक्ति की प्रतिमा रखी हुई है और उस प्रतिमा में कुछ लेख उत्कीर्ण हैं। और इस लेख से हमें क्या पता चलता है कि इस मंदिर का जो निर्माण है वो लक्ष्मण देव राय नामक व्यक्ति ने करवाया था और इस समय वहाँ पर फड़ी नागवंशियों का शासन था। उस समय फड़ी नागवंश का जो छठवां शासक है गोपाल देव, उसका वहाँ पर शासन था। इसकी भी जानकारी हमें ऐसे मिलती है कि वो जो प्रतिमा लेख लिखा गया है उसमें समय क्या लिखा गया है, कलचूरी संवत 840, मतलब कि इसमें हम 248 ऐड कर दें तो ये समय हो जाएगा 1089 ईस्वी, मतलब कि लगभग 11वीं शताब्दी की बात है जब भोरमदेव मंदिर का निर्माण किया गया था और उस समय वहाँ पर फड़ी नागवंशियों का शासन था। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी फड़ी नागवंश। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ का प्रथम स्थानीय राजवंश था, द फर्स्ट रीजनल डायनेस्टी ऑफ छत्तीसगढ़ इन एंशियंट टाइम्स। तो देखिए इसमें ऑप्शन दिया गया है सरपुरी वंश, सातवाहन वंश, राजऋषि तुल्य कुल वंश और पांडु वंश। तो देखिए यहाँ पर सरपुरी वंश की बात की गई है, तो सरपुरी वंश का जो मध्य छत्तीसगढ़ में शासन था वो कब से लेकर कब तक था? 5वीं से लेकर 6वीं शताब्दी तक था। सातवाहन वंश की बात करें तो सातवाहन वंश यहाँ के क्षेत्रीय राजवंश नहीं थे, ये दक्कन क्षेत्र में राज्य करते थे। भले ही ऐसा था कि ये क्षेत्र जो था वो उनके अधीन था, लेकिन ये यहाँ पर
शासन नहीं कर रहे थे, और इनका जो शासन काल था वो कब से लेकर कब तक था, ईसा पूर्व की पहली शताब्दी से लेकर दूसरी शताब्दी तक था। पांडु वंश की बात करें तो पांडु वंश यहाँ पर जो सिरपुर का एरिया है या मध्य छत्तीसगढ़ का पूरा एरिया है वहाँ पर ये कब से कब तक शासन कर रहे थे, छठवीं से लेकर सातवीं शताब्दी तक शासन कर रहे थे। राजर्षि तुल्य कुल वंश, इस वंश का शासन जो है कब से कब तक था, पांचवी से लेकर छठवीं शताब्दी तक था, जिसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, इस वंश का जो अंतिम शासक है भीमसेन द्वितीय उसके आरंग ताम्रपत्र से मिलती है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जो सबसे पहले यहाँ पर जो क्षेत्रीय राजवंश हुआ छत्तीसगढ़ क्षेत्र में राज्य करने वाला वो कौन था, राजर्षि तुल्य कुल वंश था। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि छत्तीसगढ़ का क्षेत्रीय राजवंश कौन होगा तो वो राजर्षि तुल्य कुल वंश ही होगा। अगर हम बस्तर की बात करें तो बस्तर में कौन होगा, नल वंश होगा। लेकिन अगर आपसे कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा गया और नल वंश भी वहाँ पर ऑप्शन में हुआ तो आपको आंसर क्या लिखना है, राजर्षि तुल्य कुल वंश को लिखना है। ठीक, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में प्राचीनतम नाट्यशाला के साक्ष्य मिले हैं, एविडेंस ऑफ ओल्डेस्ट थिएटर फाउंड इन छत्तीसगढ़। इसमें ऑप्शन दिया गया है ए रामगढ़ में, बी रायगढ़ में, सी कबरा पहाड़ में और डी गढ़ धनोरा में। तो देखिए जो सबसे प्राचीन नाट्यशाला है छत्तीसगढ़ में वो छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के रामगढ़ की पहाड़ी में, बहुत सारी गुफाएं हैं जिनमें से एक गुफा है सीता बेंगरा की गुफा। इस गुफा में सबसे प्राचीनतम नाट्यशाला के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ये जो नाट्यशाला है ये मौर्यकालीन है, 200 ईसा पूर्व में इसका निर्माण किया गया था। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए रामगढ़ में। अब हम अपने नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, छत्तीसगढ़ में पाषाणकालीन सर्वाधिक जानकारी किस स्थल में मिलती है, इन छत्तीसगढ़ मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन ऑफ स्टोन एज इज ऑब्टेन इन विच साइट। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन क्या क्या दिया गया है, ए सिंघनपुर की गुफा, बी कबरा पहाड़, सी बोतलदा की गुफा और डी गढ़ धनोरा। तो हम ऑप्शंस के साथ डील करते जाते हैं। देखिए ये जो पाषाण काल है ये छत्तीसगढ़ में अगर हम देखें तो इसे चार एरा में डिवाइड किया गया है, चार युगों में डिवाइड किया गया है। पहला है पूर्व पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल, तीसरा है उत्तर पाषाण काल और चौथा है नव पाषाण काल और इसके बाद आता है महापाषाण काल। ठीक है, तो इस समय छत्तीसगढ़ के बहुत सारी जगहों पे क्या हुआ, बहुत सारे एविडेंस मिले। ये एविडेंस क्या थे कि उस समय जो यहाँ मनुष्य निवास करते थे उनके द्वारा जो बनाए गए औजार थे और जिन गुफाओं में वो रहते थे उनकी दीवारों पर जो उकेरे गए चित्र थे जिसे हम क्या कहते हैं, शैल चित्र कहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एविडेंस मिले उस समय, लेकिन कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिला था। ये एविडेंस जो थे औजार थे या फिर उकेरे गए चित्र थे। और ये प्लेसेस कौन सा था, महानदी घाटी का एरिया, सिंघनपुर की गुफाएं थी, रायगढ़ के जितनी भी गुफाएं हैं लगभग लगभग सभी जगहों पे ये सारे एविडेंस मिले, कबरा पहाड़ में मिले, बोदलदा की गुफा में मिले, ये जो प्लेसेस है ये रायगढ़ क्षेत्र के अंतर्गत आता है, गढ़ धनोरा में मिले। लेकिन ये जितने भी प्लेसेस हैं ये अलग अलग एविडेंस के लिए क्या है, फेमस है। जैसे कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए लिखा है सिंघनपुर की गुफा, सिंघनपुर की गुफाओं में पूर्व पाषाणकालीन और उत्तर पाषाणकालीन जो है वो साक्ष्य मिले हैं। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है कबरा पहाड़, कबरा पहाड़ की बात करें तो ये रायगढ़ से 18 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर पाषाण काल के स्टोन एज के सबसे ज़्यादा एविडेंस मिले हैं। अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या बोलना चाहिए, अर्धचंद्राकार लघु पाषाण के औजार प्राप्त हुए, लंबे फलक वाले यहाँ पर औजार प्राप्त हुए, इसके साक्ष्य प्राप्त हुए और बहुत सारे शैल चित्र प्राप्त हुए जो कि उस समय वहाँ के मनुष्यों के द्वारा गुफा के दीवारों पर उकेरे गए थे। और ये चित्र कैसे थे, पंक्तिबद्ध मानव समूह था, घड़ियाल था, सांभर था, लाल छिपकली थी, इस प्रकार से शैल चित्र प्राप्त हुए थे। देखिए उस समय वो जो शिकार करते थे, जो औजार बनाते थे या फिर वो जिस तरीके से रहते थे उसे उन्होंने क्या किया था, उस गुफा की दीवारों में उकेरा था। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो जानकारी है वो कहाँ से मिलती है, कबरा पहाड़ से मिलती है। देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट ऑप्शन है बोदलता की गुफा, ये जो बोदलता की गुफा है वो सबसे लंबी गुफा है छत्तीसगढ़ की। ठीक है, गढ़ धनोरा की बात करें तो ये जो प्लेस है वो कोंडागांव क्षेत्र के अंतर्गत आता है, यहाँ पर भी एविडेंस मिले हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो साक्ष्य है पाषाण काल के वो कहाँ से मिले हैं, कबरा पहाड़ में मिले हैं। इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी कबरा पहाड़। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ किस क्षेत्र के अंतर्गत आता था, छत्तीसगढ़ कैम अंडर विच एरिया इन एंशियंट टाइम्स। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है ए महाकौशल, बी विंध्य क्षेत्र, सी दक्षिण कौशल और डी चेदी जनपद।
तो देखिए, कभी इस क्षेत्र को महाकौशल कहा गया, कभी इस क्षेत्र को दक्षिण कौशल कहा गया, कभी ऐसा भी कहा गया कि ये क्षेत्र जो है वो चेदी जनपद के अंतर्गत आता है। लेकिन हम इसका जो आंसर है वो दक्षिण कौशल लेंगे, वो इसलिए लेंगे क्योंकि बहुत सारे ऐसे एविडेंस मिले या बहुत लंबे समय तक इस क्षेत्र को क्या कहा गया, दक्षिण कौशल कहा गया। कैसे कहा गया मैं बता रही हूँ। देखिए, 600 ईसा पूर्व के आसपास की बात है जब भारत जो है 16 महाजनपदों में विभाजित हो गया था, जिसमें से एक महाजनपद था कोसल। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र के अनुसार कोसल एक महाजनपद था जिसके दो भाग थे, एक तो उत्तर कौशल और दूसरा दक्षिण कौशल, जिसमें छत्तीसगढ़ के होने की जो पुष्टि है वो कहाँ है, दक्षिण कौशल में है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि इस क्षेत्र को हम दक्षिण कौशल में लेंगे। रामायण काल में भी इस क्षेत्र को दक्षिण कौशल कहा जाता था। जब यहाँ पर कलचूरी वंश का शासन था तब भी इस क्षेत्र को दक्षिण कौशल कहा जाता था। तो इस प्रकार से इसका आंसर हम क्या लेंगे, ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण कौशल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्री वेंगसांग किसके शासनकाल में छत्तीसगढ़ आया था। इसमें ऑप्शन दिया गया है ए हर्षगुप्त, बी चंद्रगुप्त, सी महाशिवगुप्त बालाजून और डी तीवरदेव। तो देखिए, यहाँ पर जितने भी शासक हैं ऑप्शन में, ये सभी के सभी पांडुवंशीय शासक हैं जिसका शासनकाल था छत्तीसगढ़ में 6वीं से लेकर 7वीं शताब्दी तक। ऑप्शन के शासकों का सीक्वेंस देखें तो पहले तीवरदेव था, उसके बाद फिर यहाँ नन्नराज द्वितीय शासक हुआ, फिर चंद्रगुप्त, फिर हर्षगुप्त और हर्षगुप्त के बाद महाशिवगुप्त बालाजून यहाँ पर शासक हुआ, जिसका शासनकाल था 595 ईस्वी से लेकर 655 ईस्वी तक। और ये वही समय था जब चीनी यात्री वेंगसांग ने 639 ईस्वी के आसपास छत्तीसगढ़ में मल्हार और सिरपुर की यात्रा की थी। मतलब कि जब वेंगसांग यहाँ पर आया था सिरपुर के क्षेत्र में, तब यहाँ पर महाशिवगुप्त बालाजून का शासन था। महाशिवगुप्त बालाजून जो था वो शैव फॉलोवर था। स्टिल उस समय सिरपुर जो है वो बौद्ध केंद्र के रूप में विकसित हुआ था। इसकी जानकारी हमें कैसे मिलती है, यहाँ से जो बौद्ध प्रतिमाएं प्राप्त हुई, विहार के एविडेंस प्राप्त हुए, जो शिलालेख प्राप्त हुए, इससे ये पता चलता है कि उस समय ये जो क्षेत्र है वो बौद्ध केंद्र के रूप में विकसित हुआ था। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ बौद्ध धर्म की ही यहाँ पर प्रधानता थी, महाशिवगुप्त ने सभी धर्मों को समान महत्व दिया था। जब वेंगसांग यहाँ पर आया था तो उसने महाशिवगुप्त के सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता को देखकर वो आश्चर्य हो गया था कि ऐसा भी होता है। उसने इस क्षेत्र का वर्णन अपने किताब सीयुकी में किया सलो के रूप में किया है और वहाँ से इसकी जानकारी भी मिलती है। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, महाशिवगुप्त बालाजून। तो दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में हमने छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास से रिलेटेड 15 क्वेश्चंस डील किए हैं। आई होप इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको याद हो चुके होंगे, आपको समझ में आए होंगे कि ये क्वेश्चंस के आंसर कैसे होने चाहिए और कैसे इसको डील करना है। तो आज के लिए बस इतना ही, हम अपने जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर है उस पर और भी छत्तीसगढ़ के क्वेश्चंस को डील करेंगे। धन्यवाद। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कंपटीशन कम्युनिटी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।